अब लास्ट में कुछ बातें 2022 को लेकर करने वाला हूं, ठीक है ना। ये तो सेशन मेरा यहीं तक था, बट 2022 आने वाला है, 2021 गया आपके देखते देखते चला गया, चाहे आपके पास कुछ उपलब्धि मिली या नहीं मिली से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जाना ही था, वो वक्त था, जाएगा 2022 भी, क्योंकि 2020 भी गया, 2019 भी गया, 2021 भी गया, आपके गया देखते देखते 2022 भी जाएगा। इन पिछले कुछ वर्षों में कुछ नहीं मिला तो कहीं ऐसा ना हो 2022 भी यूं ही चला जाए। प्लान्ड वेरी वेल, अच्छे से योजना बनाइए, इस 2022 की योजना बनाइए। और मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना चाहिए, ये 2022 आपका अपना हो सकता है। राइट ऑन पेपर 100 इंटेंशंस, 100 इंटेंशन कागज पर लिखिए। इंटेंशन मतलब पावरफुल थॉट, स्ट्रॉन्ग थॉट आपके पास जो भी है। नो विश नो ड्रीम, कोई इच्छा नहीं कोई सपना नहीं, जो इंटेंशन जो भी ख्याल आता है, मोबाइल बदलना मन कर रहा है मेरा, मोबाइल बदलने का मन कर रहा है मेरा, घर में कुछ रिनोवेट करने का कर रहा है, कहीं घूमने कर रहा है, साल में 2 बार 5 स्टार घूमने का मन कर रहा है, मिसेज को ज्वेलरी, कुछ भी आपके दिमाग में ख्याल आता है उस पावरफुल इंटेंशन को लिख दीजिए। बस ध्यान ये रखना है, लिखना 2022 में, बट ऐसे लिखना है 2021 में ये मिल चुका है आपको। आप 2022 की कल्पना को 2021 में लिखेंगे, 2022 में ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, जो भी पावरफुल इंटेंशन सारे सारे लिखते हैं, बस ये मिल गया, क्योंकि 2021 जाने वाला है। आपको वर्तमान में लिखने हैं, पास्ट में भले मत लिखिए, लेकिन ये पास्ट बन जाएगा अगले 7 दिन बाद, और ऑटोमेटिक यही हमें चाहिए था। सिर्फ 7 दिन ही तो बचे हैं, पहला काम करना है। दूसरा, आपको डिसिप्लिन होने के लिए मैं आपको एक ऐसी तकनीक सिखाने वाला हूं जिसको न जाने कितनी बुक्स पढ़ने के बाद आप सीख पाते। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, मैंने बहुत साइकेटिस्ट को पढ़ा है, और बहुत सारे फॉर्मूले पर मैंने आजमा के देखा है, बट दैट इज वेरी पावरफुल फॉर्मूला जो आपके लिए काम करे। 2 चीजें हैं जो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेनी है, यदि कामयाबी का सपना रखते हो, कामयाब होना चाहते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू। कामयाब नहीं होना चाहते तो इतनी सी बात ही मत मान लो, आप आजाद हो अपनी जिंदगी को जीने के लिए। अब तक भी तो आप अपने हिसाब से जी रहे थे, एक बार आप किसी और के तरीके को आजमा के देखो। पहला काम है टू डू लिस्ट, कामयाबी का और कोई मूल मंत्र नहीं है, टू डू लिस्ट कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है, क्योंकि कभी भी कल नहीं आया, किसी का नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं, हमेशा आ जाता है, हमेशा आ जाता है। आज कोई पावरफुल बनाना है, और दूसरा रिव्यू लिस्ट, ये टू डू लिस्ट क्या, रिव्यू लिस्ट क्या है, और ये कैसे काम करते हैं। आज रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर में जा रहे हैं, कल क्या करने वाले हैं वह आज लिखना होगा। अगर आज ये लिख सकते हो कल क्या करने वाले हो, तो कल आपका साकार हो जाएगा। अगर आज नहीं लिखा कल ही लिखने वाले हो, तो कभी भी आपको कल में कुछ नहीं मिलेगा। और लोग सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, कल मैं ये प्लान दिखाऊंगा, कल मैं वहां मिलने जाऊंगा, कल आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा पाओगे आप। अगर आपने आज नहीं लिखा, कहते ना कल पावरफुल बनाने के लिए आज को पावरफुल बनाना होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट आता है, फ्यूचर कभी आता ही नहीं, कभी लिख नहीं सकते आप, सिर्फ पास्ट को लिख सकते हो, मेरे साथ ये हो गया और आज मेरे साथ साथ ये हो रहा है, कल क्या होगा कभी नहीं लिख सकते आप, भविष्यवक्ता बन ही नहीं सकते। इसलिए आप क्या करें, आज ही लिखें कल क्या करना है। मेक थ्री पावरफुल आपके जो गोल है उनको, 3 गोल को टॉप प्रायोरिटी पर रख लीजिए। एक किताब पढ़ी थी मैंने, उसमें था सबसे पहले जगते ही मेढक को खा जाइए। मेढक का मतलब एक ऐसी चीज जिसे कोई नहीं खाना पसंद करता, एक ऐसी वस्तु जिसे खाने से हर इंसान चिढ़ता है, उसको घृणा होती है, वो पावरफुल का मतलब है। वो मेढक का मतलब था उस राइटर का, कि वह चीज जिसे आप नहीं करना चाहते, जिससे करने के लिए आपको लगता है इसमें बड़ा कष्ट होगा, सबसे पहले उसको निपटा दीजिए। हम करते क्या है, फालतू चीजों में दिन भर एनर्जी लगा देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए एनर्जी बचती नहीं है। सबसे पहले उस एनर्जी को वहां इस्तेमाल कीजिए जिससे परिवार में कुछ परिवर्तन आता हो। वो 3 कारण लिखिए, 3 पावरफुल थॉट लिखिए, 3 कल के गोल लिखिए, ठीक। तो टू डू लिस्ट बनाइए, वीकली गोल बनाइए। मैं नहीं कहता मंथली बनाना नहीं बनाना, यू डोंट नो, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, मुझे नहीं पता विनोद जी कितने सहमत होंगे, बट मैं सेटिस्फाई हूं उस चीज से। पीवी पिन वो था टेम्परेरी, इस दिन से मिलने वाला पीवी, इस बिजनेस मिलने वाला पिन हमेशा टेम्परेरी रहेगा और टेम्परेरी कहलाएगा। बट फिर सिक्योरिटी कैसे मिलती है, पीवी प्लस पिन प्लस ग्रुप साइज, ऑलवेज
परमानेंट एंड ग्रोइंग। अगर आपने सिर्फ पीवी लिया है और सिर्फ पिन लिया है, ये स्टेबल नहीं हो सकता, ये अगले महीने चेंज होगा, ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका इस महीने का पीवी ये चेंजेबल है, पिन चेंजेबल है, लेकिन अगर आपका इस महीने 40 है टीम में और इसी महीने में आपका बढ़कर 45 हो गए, दैट इज कॉन्स्टेंट, ये 45 का 40 नहीं होगा, ये 45 का 50 होगा, ये बढ़ता रहेगा, बिजनेस बढ़ता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता आपकी ग्रोथ को। फोकस ऑन दिस थिंग्स, इस ग्रुप साइज पर फोकस कीजिए, हर दिन आप प्लान कीजिए कि क्या करने वाले, पूरा प्लान है मेरे पास, सिर्फ सिंपल कितना काम करने पर क्या मिलेगा, ये टू डू लिस्ट आपको बनाकर सोना, ताकि दूसरे दिन जगते ही आपको ये पता हो क्या करना है। सेकंड रिव्यू लिस्ट, व्हाई इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपने आप को नहीं जाना, आप गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कितना परसेंट आप कर पा रहे हैं, तो पता कैसे लगा पाओगे, बस निकल जाएगा तब पता लगेगा, ये तो सब कुछ जुट गया आपके पास। 0 to 10 मार्किंग कीजिए, जो टू डू लिस्ट में लिखा था अगर उसका 50% कर दिया 5 मार्किंग दे दीजिए, 100% कर दिया 10 मार्किंग दे दीजिए, आपने अगर 25% किया है 2 से 3 के बीच मार्किंग दे दीजिए, आपने कुछ नहीं किया 0 मार्किंग दे दीजिए, यू विल बी स्टे, यू शुड बी स्टे ऑन 8 to 10, 8 से 10 के बीच में अपने आप को मेंटेन करना है, ये आपके डिसिप्लिन को दर्शाएगा, ये चीज बताएगी आप अनुशासित है या नहीं अपने लिए, अगर ये 8 से 10 है तो आप अनुशासित है, आपने 8 से 10 किया, अब करना क्या है आपको, दो चीजें इस दिमाग की कमजोरी है, पहली चीज ये रिवार्ड को पसंद करता है और ये पनिश नहीं होना चाहता, और आपको इन्हीं दोनों चीजों का फायदा उठाना है, आपको इस दिमाग को रिवार्ड देना है। आपने रिव्यू लिस्ट निकाली शाम को, जो सुबह लिखे थे काम वो सारे के सारे आपने किए, तो इसको रिवार्ड देना है, और रिवार्ड देने का तरीका बताता हूं, जिसे आप बेहद प्यार करते हो, जो चीज आपको बहुत पसंदीदा है खाने में, उस चीज को अपने सामने रखिए, आपको चॉकलेट पसंद है आप चॉकलेट रखिए, आइसक्रीम पसंद है आइसक्रीम रखिए, कुछ भी पसंद है जो जिसको खाकर आपको मजा आ जाता है उसे लीजिए, ये चॉकलेट है मुझे बेहद पसंद है, रिव्यू लिस्ट में मार्किंग मेरी 8 से 10 के बीच में है, मैं रिवार्ड दूंगा खुद को नहीं अपने ब्रेन को, आपको लगता है जवान टेस्ट जो आता है जवान को आता है, नहीं ये ब्रेन को आता है, ब्रेन के अंदर टेस्ट की जो ग्लैंड्स है वो खत्म हो जाए तो आपकी जवान टेस्ट नहीं कर सकती, इसको लीजिए चॉकलेट को, बोलिए मुझे पता है ये क्या है, ये चॉकलेट है क्योंकि ये तुम्हें बेहद पसंद है, इसलिए आज का तुम्हारा इनाम है, तुम्हें सिंपल 3 काम सौंपे गए थे, तुम्हें जो भी आज का टास्क दिया गया था वो तुमने पूरा किया, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं हो सकता, जो भी तुम्हें सौंपा जाए तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक आदत है, तुम लक्ष्य को हमेशा हिट करते हो, लक्ष्य तुम्हारे लिए कभी बड़ा नहीं हो सकता, लक्ष्य कैसा भी क्यों ना हो, सिंपल जो 3 का था अगर ये 30 का दिया होता तुम तब भी पूरा करते, तुम डिजर्व करते हो आज का तुम्हारा नाम लेने का, ये तुम्हारा इनाम है, अब ये अवमंत्रित चॉकलेट है, इसको जवान से लगाइए, इसको सेलिब्रेट कीजिए, इसको रिवार्ड दीजिए, दिमाग को आदत पड़ जाएगी, इस रिवार्ड के लिए दिमाग टास्क कितना भी बढ़ा देना हिट करेगा, डेली का गोल करना है, आप वीकली मंथली कुछ नहीं करता है ना, मंथली गोल बनाना बंद कर दीजिए, डेली का गोल, उसको डिवाइड अगर डेली पे किया तो काम करेगा, सिर्फ मंथली बनाया एक दिन देखा तो आपको, क्योंकि जो चीज है जिंदगी में जितने भी आगे जाओगे वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्फिडेंस पर, और कॉन्फिडेंस हमेशा सफलता हासिल करने पर आपका होता है, इसलिए हर दिन छोटी छोटी सफलता हिट करो, जब उनको हासिल कर लोगे उनको हिट कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और ये बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी में ऊंचाई पे कर जाएगा। अब पनिश कैसे करोगे, कई लोग कहते हैं आप लेट खाना खाते हैं, कई लोग मानते होंगे मीटिंग से पहले हमें खाना खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए, एक आज भी बात चली थी हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड से, वो बोल रहे थे आप खाना लेट क्यों खाते हैं, मैंने उसका रीजन आज पता लगेगा अगर आप मीटिंग बैठोगे, सामने थाली आ गई, टास्क लिस्ट आपने देखी, आपका टू डू लिस्ट देखी, रिव्यू कर रहे हैं आप उसको, उसमें देखा 3 काम लिखे थे, मार्किंग आपकी 2 से 0 आई है या 2 से 5 के बीच में आई है, यानी कि आप आज का काम नहीं निपटा पाए, उस थाली के सामने रखी, बोलिए मुझे पता है तुम ऊर्जा हो, तुम एनर्जी हो, तुमसे ये शरीर चलना है, तुम्हें ये जो थाली में रखा हुआ खाना बेहद पसंद है, तुम डिजर्व करते हो, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा गोल दिया गया था, सिर्फ आज का गोल था, तुम उसे आसानी से कर सकते थे, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, तुम इससे भी बड़ा कर सकते थे, लेकिन तुम लापरवाह हो, तुम आलसी हो, तुमने करना उचित नहीं समझा, इसलिए आज के लिए तुम्हें सिर्फ इतनी सजा है, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, और थाली को सरका दीजिए, डियर फ्रेंड 2 दिन भूखा तो रहना शुरू कर दीजिए, आपका दिमाग, इस दिमाग को अपने लिए इस्तेमाल करो, इस दिमाग के गुलाम बनना बंद करो, सफलता यहां से मिलती है, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको कोई नहीं सिखाएगा, बट इन पर चलकर देखना। अब सवाल उठता है 2022 में आप इन चीजों को फॉलो करोगे नहीं करोगे, कैसे पता लगेगा, यू हैव 7 डेज इन दिस ईयर, अगर आपने 7 दिन में इन चीजों को किया,
सात दिन में हर दिन कोई गोल बनाया, सात दिन में हर किसी को प्लान दिखाया, आपने उसको हिट किया, आप 2022 में कुछ कर जाओगे। लेकिन आपने सात दिन चुका दिए, सात दिन कुछ नहीं किया, तो आप करने के हैबिचुअली नहीं है। कितनी बढ़िया और कितनी बड़ी चीज आपको सिखा दी जाए, आप हिट कर ही नहीं सकते। आप यू आर बाय बर्थ लेजी पर्सन, आप विनर होने का अधिकार नहीं रखते, आपको जीत का कोई हक नहीं है। अगर आप आज हिट कर दोगे तो आप जीतने का हक रखते हो और आप जीत जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। हर दिन रिवार्ड और पनिशमेंट, इन दो चीजों पर काम करना शुरू कर दो। हर दिन छोटा सा गोल बनाओ, आज ही टू डू लिस्ट बनाओ, कल ही अपने दिमाग को रिवार्ड दो, आज कुछ भी किया दिमाग को रिवार्ड दो। ये काम करता है साइंटिफिकल। आज के लिए इतना काफी था। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट फॉर माय मेंटर जिन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया, और थैंक यू ऑल ऑडियंस जिन्होंने मुझे बड़े पेशेंसली सुना। गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच गोपी जी के लिए। जोरदार टाइपिंग, शानदार सेशन सर, जबरदस्त।